फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आओ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास एक पैन कार्ड है तो इस वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट देखते रहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे आपका पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हो, यानी आपका जो डिटेल्स है पैन कार्ड में वो सही है या नहीं, या आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं, या आपका पैन कार्ड में जो भी डिटेल्स वगैरह है उसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं। तो मतलब आप सब कुछ देख सकते हो और आप वेरीफाई करके देख सकते हो वो सही है या नहीं। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स पता चल जाएगा। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जाना होगा किसी भी एक ब्राउजर पर। तो देखिए, मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, आप कोई भी ब्राउजर से कर सकते हो। फिर ब्राउजर ओपन करने के बाद जो सर्चवर है, सर्चवर में जाके आपको टाइप करना होगा इनकम टैक्स इंडिया efilling.gov.in। तो देखिए, इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो देखिए, मैंने वेबसाइट में चलाया तो फिर आप देख सकते हो इस टाइप से इंटरफेस शो होगा। फिर इसको आप क्लोज कर सकते, नहीं तो कंटिन्यू टू होम पेज, इसमें आप क्लिक करके मेन पेज पे जा सकते हो। तो देखिए, यही है हम लोगों का मेन पेज। तो देखिए, अगर आपने इंस्टेंट जो पैन कार्ड बनता है, अगर वो पैन कार्ड आपने बना लिया तो आपको 10 से 15 दिन वेट करना होगा, फिर जाके आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर को आप वेरीफाई कर सकते हो और वेरीफाई करके देख सकते हो आपका पैन कार्ड का स्टेटस क्या है, वो एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, या आपका डिटेल्स पैन डेटाबेस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट पैन कार्ड को बना के तुरंत ही वेरीफिकेशन करते, वेरीफिकेशन करके देखते हैं कि वो नॉट फाउंड बोल के आ रहा है, तो आपको नहीं देखना, आपको 10-15 दिन वेट करना है। तो देखिए, फिर आपका जो पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए या आपका डिटेल्स वगैरह वेरीफाई करने के लिए आपको इधर आना होगा, देख सकते हो वेरीफाई योर पैन डिटेल्स। तो देखिए, इसमें क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपका पैन नंबर, फिर आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका देखिए इधर जो एक स्टेटस बोल के लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो वन बाय वन आपको सब कुछ इधर फिल करना है, फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो देखिए, इसमें जो इंडिविजुअल है, अगर आपका खुद का पैन कार्ड है तो आप इंडिविजुअल कीजिए, अगर कंपनी का है या गवर्नमेंट का है, किसी भी ट्रस्ट का है, फॉर्म का है, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए, मेरा जो डिटेल्स है, जैसे कि पैन कार्ड नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ मैंने पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद जो कैप्चा है, कैप्चा को ध्यान से पुट कर लीजिए। तो अगर देखिए कैप्चा समझ में ना आए तो रिफ्रेश में क्लिक करके आप दूसरा कैप्चा भी ला सकते हो। फिर कैप्चा को पुट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो इधर पैन इज एक्टिव एंड द डिटेल्स आर मैचिंग विथ पैन डेटाबेस। तो आपका जो भी डिटेल्स है, सब कुछ डिटेल्स पैन डेटाबेस से मैच कर रहा है और आपका जो पैन कार्ड है यानी पैन नंबर, वो भी एक्टिव है। तो देखिए, इस टाइप से आपका जो पैन कार्ड है या आपका डिटेल्स वगैरह करेक्ट है या नहीं, आप चेक करके देख सकते हो। तो देखिए, आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आप चेक करके देखिए, वेरीफाई करके देखिए कि आपका एक्टिव शो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट से कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।